लाला जट्टी है ना। हाँ जी बोले। कैमरे में बता दे कि लाला, क्योंकि मुझे गलती लगी थी, मैं चेहरों से पहचानता नहीं लोगों को, तो लाला जट्टी आप ही हैं? जी ऐसे ही। अब वो इतने छोटे से बच्चे से बिना इतना बेहुदा सवाल, उसने बिल्कुल नहीं शर्म की कि भाई एक छोटा सा अभी की बात है, अभी की बात। अच्छा अभी हमारा शुरू शुरू होने से पहले। जी जी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। क्या होता है ये? ये भाई हमें नहीं पता। क्या सवाल है जी, आप मुझसे करें, मैं जवाब देता हूँ आज। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं जवाब देता हूँ आपको। चले जरा साइड पे आके बात करें। देखें, आपने कहा कि आप ये जहाद पे निकले हैं, जहरी बात है हमारा जो मजहब है वो कहता है कि बुराई को जो है ना वो रोकना चाहिए, तो ये लिटरली ये जहाद है। जो मैं गलत काम करूँ ना, मुझे आपको किसने, आपको किसने हक दिया है? आप अवाम में आके ये काम कर रही हैं। मुझे हक दिया मेरे दीन ने, मुझे हक दिया मेरे कानून ने कि जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ूं, उसको मैं उसके परचे उड़ाऊं। चैनल इनका जी भाई का, आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी बंदी तो गई बाघ, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने टिकना जो है ना, सच बोलने वालों का काम है मेरे सामने टिकना, जो झूठ बोलते हैं, जो मुआशरे में गलत काम करते हैं, मेरे सामने टिकते भी नहीं है। इनको हाइप चाहिए, मेहरबानी, इनको व्यूज दे दें, मिलियन व्यूज। व्यूज नहीं चाहिए, लानत भेजता हूँ पैसे पे, लानत भेजता हूँ व्यूज पे, लानत भेजता हूँ गलत काम प्रमोट करने वालों पे। मैं नहीं पूछता, आवाम पूछेगी, आवाम पूछेगी, पूछे। ये देखे प्यारे पाकिस्तानियों, वो भी प्यारे पाकिस्तानियों, नो डाउट कि मेरा लहजा जरा सख्त है, तो ऐसे लोगों से मैं लहजा कैसे नरम रखूं यार, जो मेरे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं, जो मेरे पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सही जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस ऐसे काम करने की तौफीक देता रहे और बुराई को हमेशा जड़ से मिटाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस काम में साबित कदम रखे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा जमीन जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज भी बहुत जल्दी में हूँ, आपको पता है पहले भी एक मेरा प्रोग्राम ऐसा हुआ कि जिसमें बहुत तेज़ बोल रहा था, बहुत जल्दी में था, तो अल्लाह ताला का नाम लेके जो बंदा नियत कर लेता है अच्छे काम की किसी करने की, अल्लाह ताला खुद मदद करता है। मेरे हत्थे चढ़ गई है लैला जट्टी और उसके पीछे जा रहा हूँ मैं, जो मुआशरे में वाहियाती फैला रही है, फहाशी फैला रही है, वल्गैरिटी फैला रही है, उसके पीछे जा रहा हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने कोशिश की, हालांकि मैं यहाँ पर आया हुआ था, मैं यहाँ पर मौजूद था अपनी फैमिली के साथ, शॉपिंग के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पर उसका अल्लाह ताला ने मेरे हथे चढ़ा दी, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मैंने तो नियत की थी और आप लोगों को कहा था कि उसका मैं परचे उड़ाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया है और अवाम मेरा कितना साथ देती है, अवाम भी देखते हैं मेरे साथ, पीछे पीछे अवाम भी आ रही है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये पहले कन्फर्म करें, लैला जट्टी यही है? प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे भाई, लैला जट्टी यही है? वहाँ पे उधर दिखा दो, ठीक है, इधर लाओ, इधर इधर कैमरा इधर लाइए। और ये ऐसी बातें कर रही है पाकिस्तान, मुझे, मैं सही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा, मुझे ये काम करना चाहिए, बेस्ट कर रहे हैं। आपने जो ये काम किया है, मैं इसके लिए बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो इधर आया हूँ मेडिसिन लेने। मुझे मेरे प्रोग्राम देखते हैं, मैं तो बहुत देखता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इधर रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने देखा ऐसे सवाल के आप सुन भी नहीं सकते, ठीक है ना, तो उसने मेरी तरफ आने की कोशिश की है इंटरव्यू लेने के लिए ना, लेकिन मैं क्या जवाब दूँ? मेरे से बात करना चाह रही, मैं अपने ये फ्रेंड से कह रहा था इससे इंग्लिश में बात करते हैं, इसका पता चले ये है कौन, ठीक है ना, लेकिन ये लड़की ठीक नहीं है। आपने जिस तरह ये हिम्मत की, ठीक है, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने इंशाल्लाह जरूर, ठीक है, मेरे साथ आवाम भी होगी इंशाल्लाह, यहाँ पे पहले ही कोशिश करते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर ले, ठीक है, थोड़ा सा तो फिर हम जो है, आप ये कन्फर्म कर रहे हैं ये, क्योंकि मैं प्यारे पाकिस्तानियों, मैं पहले एक जो है अबीरा खान है उसका इंटरव्यू किया था और उस पर मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कौम से, और मैं एक तफसीली प्रोग्राम उस पर करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अभी ये कंफर्म कर रहे हैं लोग कि लैला जट्टी यही हैं, आ जाएं। हम आपका आपका शो हम दुगना करने आए हैं, डबल करने आए हैं, आपका शो डबल करने आए हैं। आपका नाम वही है जो मैं समझ रहा हूँ? जी जी, आपका शो वही है? कौन सा? लैला जट्टी है ना। हाँ जी बोले। कैमरे में बता दे कि लैला, क्योंकि मुझे गलती लगी थी, मैं चेहरों से पहचानता नहीं लोगों को, तो लैला जट्टी आप ही हैं? जी ऐसे ही हैं, बोले जी। आप अपना माइक उधर दे दें एक मिनट के लिए, मैं एक मिनट के लिए, आपके बाद उसके बाद मैं चला जाऊंगा, और क्या फिर अपना काम कर ले। आप तो रोज करती है, मैं कभी कभी आता हूँ ना, मैं तो लोगों में आवाम में कभी कभी आता हूँ, ये पाकिस्तानी खड़े हैं वो भी बता देंगे। आप माइक अपना पकड़ा देना उधर एक मिनट के लिए, सिर्फ ये भाई खड़े हैं,
भाई को पकड़ा दो। प्यारे पाकिस्तानियों, नहीं मैं चलने दूंगा, आप जो वाहियाती मुआशरे में कल्चर फैला रहे हैं मुझे जानती हैं आप, मुझे आप जानती हैं इसलिए भाग रही हैं। कैमरा पीछे करो जी, आप मुझे जवाब देंगी, अवाम यहाँ पे मौजूद है, अवाम मेरे साथ है, आप जवाब देंगी। आपको किसने हक दिया कि आप मुआशरे में वाहियाती फैलाएं, वल्गैरिटी फैलाएं और बेहयाई फैलाएं? आपको किसने हक दिया ये उल्टे सीधे गंदे मंदे, ठीक है, डबल मीनिंग क्वेश्चन कर करके? आज इंटरव्यू ले रही क्या कह रही थी आज? आज क्या प्ले बॉय के बारे आज इंटरव्यू ले रही थी? प्ले बॉय क्या होता है ये? ये भाई हमें नहीं पता। क्या सवाल है जी, आप मुझसे करें, मैं जवाब देता हूँ आज, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं जवाब देता हूँ। आपका कैमरा आप भी रिकॉर्ड करें, आप भी चलाएं, आप भी मुझे चलाएं जो मैं गलत काम करूं ना, मुझे आपको किसने हक दिया है आप अवाम में आके ये काम कर रही हैं? मुझे हक दिया मेरे दीन ने, मुझे हक दिया मेरे कानून ने कि जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ूं, उसको मैं उसके पर्चे उड़ाऊं। आप बताएं कि आपको किसने राइट दिया और आप बाज आएंगी कि नहीं? मैं इधर ही रहूंगा। तमीज मुआशरे में वाहियाती फैला रही हैं आप और मुझे तमीज सिखाएंगी आप? आप तमीज सिखाती हैं मुआशरे को? इसने जो मुआशरे में बेगैरती बेहयाई फैलाई है ना, मैं इसकी रिस्पेक्ट जितनी कर सकता हूँ, मैंने कोई गाली नहीं दी, बदतमीज नहीं की। आपने बताना है, हाँ नजर आ रहा है। और आपको आपका एक मिनट, मैं बदतमीज नहीं करना चाहता, एक मिनट, आप भागेंगी नहीं, आप पूरे मुआशरे को डिस्टर्ब कर रही हैं, आप भागेंगी नहीं। आपके घर में खड़ा हूँ, आपके घर में खड़ा हूँ। वाह, आपको किसने इजाजत दी? इसको किसने इजाजत दी है मुआशरे में वाह आती फैलाने की? चैनल इनका जी भाई का, आपसे बात कर लेते हैं। आपको किसने, ये भाई आ गए सामने, इन्होंने कहा जी माशाल्लाह बारिश है, ये भी ठीक है, बारिश जब कहता हूँ तो लोग मुझ पे एतराज़ करते हैं। आप बताएं कि आपको किसने राइट दिया ये सारा कुछ करने का? क्या करने का? मुआशरे में जो वाह आती आप फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे? नहीं फैला रहे। आपको किसने कहा? नहीं फैला रहे। आपको किसने कहा फैला रहे? नहीं फैला रहे। ये लैला जेट्टी नाम नहीं है इसका? लैला जेट्टी नाम है इनका। तो लैला जेट्टी क्या कर रही है मुआशरे में, आपको नहीं पता? नहीं, क्या कर रही है? मैं प्यारे पाकिस्तानी फैमिली के साथ था, हालांकि मैंने कैमरामैन को जल्दी कॉल करके, इमरजेंसी कॉल करके बुलाया, मैं शॉपिंग करने आया था। अच्छा, लोगों के साथ जर्नलिज्म में ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं झूठ शो करते हुए आ रहे थे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, देखिए लैला जेट्टी शो कर रही है भाईजान, मैं पीछे इंट्रो दे के आया हूँ, मेरे साथ कौन लड़का था इधर, एक लड़का मेरे पीछे, मेरे साथ भाई। अच्छा, पीछे से मैं ये कह के आया हूँ ना कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अच्छा मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम एहसन शेख है। एहसन शेख, एहसन शेख मुझे ये बताएं कि आपकी बंदी तो गई बाघ, ठीक है? क्योंकि मेरे सामने टिकना जो है ना, सच बोलने वालों का काम है मेरे सामने टिकना, जो झूठ बोलते हैं, जो मुआशरे में गलत काम करते हैं, मेरे सामने टिकते भी नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन हो, वो सियासी पार्टी का वर्कर हो, सपोर्टर हो। आप मुझे बताएं आपने बाज आना कि नहीं? पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तानियों आपने बताना है, आपके कमेंट्स बताएंगे कि मैं सही जहाद कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप बताएं कि आपने ये काम छोड़, अच्छा आप गलत सवाल नहीं करते, डबल मीनिंग नहीं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्ले बॉय का आज, प्ले बॉय क्या होता है? पूरी कौम को बताएं प्ले बॉय क्या होता है? मेरी बात सुने, प्ले बॉय क्या होता है? मुझे सिर्फ सवाल का, हेलो भाई यार, आज के सवाल पे जर्नलिस्ट ना मैं भी हूँ, ठीक है? जर्नलिस्ट मैं भी हूँ, ठीक है? अपना बोली जा रही है, अवाम सारी खड़ी है, ठीक है? अवाम आपके साथ है, हाइप नहीं लेता। अच्छा मैं खामोश होता हूँ ना, मैं खामोश होता हूँ। आप मुझे बता दें एथिकल, एथिकल बताने लगा हूँ, एथिकली मुझे ये बताएं, एक मिनट, एथिकली आप मुझे ये बताएं कि प्ले बॉय क्या होता है, जो सवाल कर रही थी आज, वो प्ले बॉय होता क्या है? आवाम को बताएं, मैं बेर वक्त नहीं, बहुत गलत काम कर रहा हूं। अच्छा अब खामोश हो जाएंगे आप, दो मिनट खामोश हो जाएंगे जी। अच्छा अब ये पकड़ा दे मुझे, माइक मेरा है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये आवाम जो है ना वो देख रही है कि इन्होंने माइक अपने हाथ में पकड़ा है, इन्होंने सिर्फ अपनी बात है यार, मैंने इनको हाइप चाहिए, मेहरबानी इनको व्यूज दे दें, मिलियन व्यूज नहीं चाहिए, लानत भेजता हूँ पैसे पे, लानत भेजता हूँ व्यूज पे, लानत भेजता हूँ गलत काम प्रमोट करने वालों पे, वो मैं करूँ या कोई और करे? कर सकते हैं इधर, हक सच की बात कर सकते हैं इधर ब्रो, आवाम खड़ी है, आवाम देख रही है, आवाम देखेगी, पाकिस्तान की आवाम देखेगी। अच्छा, बताएं मुझे आप प्ले बॉय क्या है? प्ले बॉय आप मौका दें, आप प्ले बॉय, आप ये माइक पकड़ाएं, मैं आपको जवाब देता हूं, आप दें माइक, आपको पकड़ा ही नहीं सकता, आपको एथिक, आपको मीडिया के एथिक्स का नहीं पता, माइक नहीं पकड़ाया जाता दूसरे बंदे को, सबसे ज्यादा एथिक्स का, तो माइक दूसरे बंदे को नहीं पकड़ाया जाता। एक मिनट, चाहिए वो आपको मिल गई है, हाइप नहीं चाहिए मुझे, मुबारक हो, हाइप नहीं चाहिए, हाइप नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, सवाल का जवाब दें, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, सवाल का जवाब दें कि प्ले बॉय क्या होता है, प्ले बॉय क्या होता है, सवाल का जवाब, प्ले बॉय क्या होता है, प्ले बॉय क्या होता है, प्ले बॉय क्या होता है,
प्ले बॉय क्या होता है? ये बदमाशी नहीं करनी, बदमाशी नहीं करनी, बात नहीं है। आवाम पूछेगी, आवाम पूछेगी, आप पूछे पूछे, ये देखे प्यारे पाकिस्तानियों, वो भी इधर इधर इधर, जी जी ठीक है, ये दिखाएं जी दिखाएं, ठीक है। आप इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम नहीं करेंगी ऐसा, इंशाल्लाह मेरा ईमान है इस बात पे, कौम मेरा साथ देगी और मैं मुआशरे से गलत चीज़ों को प्रमोट करने वालों को दबाऊंगा, उनके प्रक्षे उड़ाऊंगा और इसी तरह सबको भगाऊंगा इंशाल्लाह। कोई कोशिश नहीं की इसको ढूंढने में, मैंने आपसे वादा किया था पिछले प्रोग्राम में कि मैं लैला जट्टी के प्रक्षे उड़ाऊंगा, फैमिली के साथ आया हुआ था शॉपिंग करने और यहां मुझे अचानक मिल गई है, अल्लाह ने मेरी मदद की है ना, मैंने मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है, ना मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मुझे सरेरा मिला दिया। और प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोग यार, आप लोग जितने खड़े हैं आप बताएं कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? सही कर रहे हैं, जो गलत करता है उसके साथ गलत होगा। प्यारे भाई, आप लाहौर से ही हैं? जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कौम की सपोर्ट चाहिए इस मामले में, ठीक है। मैं कोई भी गलत काम हो, ये नहीं कि ये कोई भी गलत काम कर रहा हूँ मैं उसके पीछे भागता हूँ, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई जो मेरा दोस्त है बड़ा प्यारा इकरारुल हसन, उसको मार पड़ी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से हम तो नहीं घबराते, ठीक है। वो इकरारुल हसन से पूछेंगे, वो भी नहीं घबराएगा कभी जिंदगी में, और मैं भी आपको किसी मोड़ पर घबराता हुआ ना नजर आऊँगा ना घबराऊंगा इंशाल्लाह। मुआशरे में गलत चीज़ें जो प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ हमेशा बोलूँगा और बोलता रहूँगा। प्यारे भाई, आप क्या समझते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल, देखें, आप देखते हैं वैसे इसके कोई क्लिप्स वगैरह? जी, मैंने अभी रिसेंटली वो मैंने बच्चों के साथ आया, वो बच्चों को लेके, अभी एक छोटा सा बच्चा, वो आए हैं बाहर से, आउट ऑफ सिटी से, तो वो बात करना चाह रहे थे कि देखें हम क्या हो रहा है। अब वो इतने छोटे से बच्चे से बिना इतना बेहुदा सवाल, उसने बिल्कुल नहीं शर्म की कि भाई एक छोटा सा, अभी की बात है, अभी की बात। अच्छा, अभी हमारा शुरू होने से पहले? जी जी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल था शायद बच्चे हैं, बच्चों के साथ कोई चेंज कर लेंगे क्वेश्चन कुछ, तो उसने मतलब बच्चे, प्यारे पाकिस्तानियों देखें, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी कौम बोल रही है, मेरे प्यारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इन्होंने ये सोचा, ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे थे हमारे साथ, फैमिली थी, तो हमने ये सोचा कि शायद ये सवाल कोई तब्दील कर ले, वाहियाती वाला, वल्गैरिटी वाला, बेहयाई वाला, बेगैरती वाला, बेशर्मी वाला सवाल ये बदल ले और बच्चों की नस्बत से या फैमिली की नस्बत से कोई सवाल कर ले, लेकिन उसने वही नहीं किया। देखें, आपने कहा कि आप ये जहाद पे निकले हैं, जहरी बात है हमारा जो मज़हब है वो कहता है कि बुराई को जो है ना वो रोकना चाहिए, तो ये लिटरली ये जहाद है। आप किसी चीज़ को बुरा जानते हैं तो पहले उसको हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा चाहें, ये हदीस है एक। तो आप ये मतलब जहाद कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसे जाके लोगों को बुरे काम से रोक रहे हैं तो ये हमारा मजहबी फरीजा भी है। गलत एक बंदा गलत काम करता है ना, कोई अकेला करता है, उसका मुआशरे पर अफेक्ट नहीं होता, जो मुआशरे में फैलाई जाती है ना चीज़, जी जी, वो तो पूरे मुआशरे को बर्बाद करती है। जी जी, मेरा मोटो ये है कि ये चीज़ें बनने वाली हैं हमारे मुआशरे में, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और मेरे जैसे, यकीन करें, मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि मेरे जैसे दो तीन लोग सिर्फ मीडिया वाले उठ के खड़े हो जाए ना, ठीक है, ज़मीर अपना ज़रा झंझोड़ लें ना, खड़े हो जाएँ तो ये लोग नजर ना आए आपको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये खुद ही घर बैठ जाएंगे और कोई धंधा अच्छा कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे मुआशरे को बर्बाद करने की बजाय। प्यारे भाई, आप आइंदा आ गए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ ड्राइवरी करता हूँ गाड़ी, अभी मैंने भी इंटरव्यू दिया था लैला जट्टी को। अच्छा, आप भी, आपसे भी? हाँ जी, वो यही सवाल किया था, यही प्ले बॉय का जो आप कह रहे थे इसी के बारे में पूछ रही थी, बेहुदा कर रही थी, जो भी सवाल कर रही थी उसका जवाब मैंने तो दिया नहीं। मैंने कहा देखे मैं मुलाजिम हूँ, मेरा ये क्लिप ना चलाना, उसका आपका नहीं चलाएंगे, वो इस तरह के सब लड़कों के साथ वो कर रही थी, खुद जो है ना कैमरा बगैर इजाजत के अगले बंदे का इंटरव्यू ले रही है और वो बंदा कह रहा है कि मेरा क्लिप ना चलाना, ठीक है, क्योंकि मैं जवाब नहीं देना चाहता, ना जवाब मेरे पास है ना मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। और नेगेटिव बात, मतलब मैं अब बात यह कि उसके सवालात जितने ढेरों ढेर हैं ना प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि यार तुमसे गलत लड़की जो है ना तो तुमने पकड़ ली, असली लड़की तक तो पहुँचे नहीं अभी, तो अल्लाह ने मुझे बचाया। मेरा ईमान था इस बात पर, मेरा पुख्ता ईमान था कि मेरे हथे इसने चढ़ जाना है, ठीक है। कैमरा मैन, कैमरा टीम को मैं फौरी कॉल करके बुलाना पड़ा और वो भी मिनटों, जिस तरह वो 1122 वाले आते हैं ना, मेरा कैमरा मैन और मेरी टीम इस तरह पहुंची है यहाँ पे मार्केट में जहाँ पे मौजूद था। तो आप क्या कहेंगे, मैं ठीक जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ? सही जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस ऐसे काम करने की तौफीक देता रहे और बुराई को हमेशा जड़ से मिटाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस काम में साबित कर दें, रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी जिंदगी। शुक्रिया। कौम के व्यूज भी चाहिए। जी जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहता हूँ कि हम एक मुसलमान हैं तो मुसलमान के हक तक सोचें तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे इस्लाम में नई चीज़ है, ये जी नहीं होना चाहिए ना। तो मैं ये जंग लड़ रहा हूँ, सही लड़ रहा हूँ जी, आप भी सही हैं, पर आप कौम को मेरा साथ देना चाहिए। जी, देना चाहिए, ठीक है। मुआशरे का बेड़ा गर्क कर रही है तो मानने को तैयार नहीं, ठीक है। प्ले बॉय का सवाल कर रही थी, प्ले बॉय क्या होता है? ठीक है, ये गलत सवाल है, ये मतलब
गलत सवालों के ही प्रक्षेप उड़ाने हैं मैंने, गलत सवाल जो मुआशरे में बेड़ा गर्क करे। और मैं हैरान हूँ उन पार्कों पे, उन पार्कों की मैनेजमेंट पे, उन मार्केट्स पे, बाजारों के जो मैनेजमेंट है उन पे भी हैरान हूँ कि जो इनको घुसने देते हैं। जब मैं कोई गलत काम करूँ ना, किसी शो कोई ऐसा गलत करूँ तो मुझे मेरा गिरेबान पकड़े। जब मैं कोई गलत काम करूँ, जब मैं कोई गलत चीज़ मुआशरे में प्रमोट करूँ, उसको परवान चढ़ाऊँ तो मेरा भी गिरेबान पकड़े अगर मैं गलत काम करूँ। तो इन लोगों पर पाबंदी कोई नहीं है पार्कों में, बाजारों में, मार्केट्स में। मैं पूरे पाकिस्तान की जो बाजार हैं, मार्केटें हैं, उनकी जो अंजमने हैं, उनके जो ताजरान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को बाजारों में प्रोग्राम करने की इजाज़त ना दें। पार्क्स जो हैं उनको भी कहता हूँ, पार्क्स की जो मैनेजमेंट हैं उनसे भी कहता हूँ कि इन लोगों को पार्क्स के अंदर, लोगों में जाके, अवाम में जाके, फैमिलीज़ में जाके प्रोग्राम करने की इजाज़त ना दी जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, नो डाउट कि मेरा लहजा ज़रा सख्त है, तो ऐसे लोगों से मैं लहजा कैसे नरम रखूं यार, जो मेरे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं, जो मेरे पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ पंजाबी सुनी जाती है, पंजाबी देखी जाती है, हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है कि लैला जट्टी जी हमारे मुल्क की है, पाकिस्तान की है। तो बाई चांस प्यारा पाकिस्तान तो हर वक्त मेरे साथ होता है। प्यारा पाकिस्तानी, आपको पता है झंडा, मैं जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में हूँ, दुनिया में कहीं भी हो, ये झंडा मेरे साथ होता है, तो इस वक्त मेरे साथ था। तो मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो दें, लेकिन अगर साथ नहीं दे सकते तो मुझे जो है ना डिस्करेज भी ना कीजिएगा, मेरा हौसला तोड़िएगा भी ना। मैं आपके लिए हर वो काम करूँगा पूरे पाकिस्तान के लिए जो अच्छा होगा। मैं हर उस बंदे को पकड़ूंगा, हर उस बंदी को पकड़ूंगा जो मुआशरे में गलत करेगा और उनके प्रक्षेप उड़ाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।